बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, आबाद होंगे। सबसे पहले तो आपके साथ अनाउंसमेंट शेयर कर दूँ, मैं किसी भी दो सब्सक्राइबर को कीनिया का फ्री ऑफ कॉस्ट टूर दूंगी, जिसमें वीजा, टिकट और अकोमोडेशन सब हमारी तरफ से होगा। आज जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो एक वाइटनिंग क्रीम है, जो आप लगाते ही इतना आपका रंग को निखार देगी, आपके चेहरे से दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह सब कुछ दूर कर देगी। और वो इतनी अफोर्डेबल है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और आसानी से हर जनरल स्टोर से, हर मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। हम सबसे पहले लेंगे तिब्बत वाइटनिंग स्नो। इस क्रीम में केमिकल्स जो है ना होने के बराबर हैं, और हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ बहुत अरसे से ये क्रीम यूज़ करती आ रही हैं। आपको पता है पहले ज़माने में इतने केमिकल्स किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ नहीं होते थे, तो ये तिब्बत स्नो, इसमें हम दो तीन चीज़ें ऐसी मिक्स करेंगे जो ये फॉर्मूला बनेगा, वो आपकी स्किन को इतना निखार देगा। और इसका लाइव रिज़ल्ट मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊँगी अपने ही हाथ पर कि इसका रिज़ल्ट क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं तिब्बत स्नो। गोरा होना हर कोई चाहता है, और गोरा रंग जो खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। और हम आपको बताएंगे बहुत ही किफ़ायती और कम पैसों में आप किस तरह इतने गोरे हो सकते हैं कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इस क्रीम से ये कलर अचीव किया है। सबसे पहले तो हमने एक जो तिब्बत स्नो की बॉटल होती है वो पूरी एक बाउल में निकाल लेनी है, और इसमें जो हमने इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करने हैं वो भी ज़्यादा महंगे नहीं, सिंपल से इन्ग्रीडियंट्स हैं और हमें आराम से जनरल स्टोर से मिल जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो आम हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट देंगे वो बहुत ज़्यादा ख़ास होगा, और जो रिज़ल्ट देख के आप खुद हैरान रह जाएंगे। इन सादा से इंग्रेडिएंट्स के मिक्सचर से हम इतना अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। और इसके बाद हम लेंगे जो है विटामिन सी जेल। विटामिन सी जेल भी आम जनरल स्टोर से मिल जाती है। आपने जो एक टेबल स्पून है इसमें विटामिन सी जेल यूज़ कर देनी है। अगर विटामिन सी जेल नहीं है तो आपने इसमें एलोवेरा जेल डाल देनी है। एलोवेरा तो हर एक के पास होती है, और गर्मियों में ख़ास तौर पर विटामिन सी जेल और एलोवेरा जो जेल है आपकी स्किन को नरिशमेंट भी देती है, आपकी जो टैनिंग है वो भी ख़त्म करती है। और जब इस क्रीम के साथ इसका मिक्सचर बनता है तो ये आपके चेहरे पर कमाल धमाल कर देता है कि आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो भी जो इंग्रेडिएंट है बहुत सादा है, आम किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाता है, वाइटनिंग कैप्सूल्स जो कि 5 रुपए का हद एक मिल जाता है। आपने इसमें 3 से 4 ये आपने कैप्सूल ले लेने हैं। दर हकीकत ये जो विटामिन ई क्रीम इन कैप्सूल्स के अंदर भरी होती है, जिसमें थोड़ा सा विटामिन ऑयल भी शामिल किया जाता है, ई ऑयल, तो ये हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। विटामिन ई क्रीम भी और विटामिन ई ऑयल भी ये हमारे स्किन को रिजुविनेट करता है, यानी हमारी स्किन के जो टूट फूट हो रही होती है वो हमारी स्किन को बेहतर और उसको नए तरीके से नए खुलियात बनाता है। विटामिन ई ऑयल इतना बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, और ये हमारी स्किन को निखारता भी है और स्किन को नरम और मुलायम भी करता है। ये आपने इसमें कैप्सूल्स शामिल कर देने हैं 3 से 4। आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसे डबल फॉर्म में डालेंगे। एक तो हमने ये क्रीम की शक्ल में डाल के इसमें ऐड कर दिया, और इसके बाद हम लेंगे विटामिन ई ऑयल जो आपको बाज़ार से बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। इवियन के कैप्सूल्स वो आप इसमें 2 इवियन के कैप्सूल इसमें शामिल कर देंगे। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये विटामिन ई ऑयल जो है हमारी हर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, हर वाइटनिंग क्रीम में ज़रूर शामिल किया जाता है। बस इस क्रीम में हम ये 2 विटामिन ई के 400 mg के जो कैप्सूल्स होते हैं, जो रेड कलर में होते हैं, हम इस क्रीम में ये 2 शामिल कर देंगे। और ये क्रीम आपको ईद तक, ईद में थोड़े से दिन रह गए हैं, और ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने रिज़ल्ट और आप इन रिज़ल्ट से हैरान रह जाएंगे। अच्छी तरह आपने इस कैप्सूल्स को, इन सारी इंग्रेडिएंट्स को इसमें क्रीम में मिक्स कर देना है। इसे आप किसी भी कंटेनर में निकाल लें, और इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी है, आप इसे जब तक ये ख़त्म नहीं होती इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई फंगस कुछ नहीं लगता, इसे बस आप एक कंटेनर में निकाल के अपने जो ड्रेसिंग टेबल पर रख दें, और आप दिन में, रात में कभी भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसके सवाल आएंगे कि दिन में लगाएं रात में लगाएं, इसकी कोई टाइमिंग नहीं, आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं। और मैं आपको अब लगा के दिखाऊंगी कि एक ही एप्लीकेशन से
आपके कलर में कितना फ़र्क आ जाता है। मैं अपने हाथ पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, थोड़ी सी मिकदार में लेके मैंने आपके सामने अपने हाथ पे जो अप्लाई करके दिखाया है, और फ़र्क वाज़े आपके सामने है कि मेरे हाथ का जो कलर है सिर्फ़ एक ही एप्लीकेशन से कितना डिफरेंट लग रहा है दूसरे हाथ की निस्बत। और आप एक हफ्ता इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, फ़र्क आपकी आँखों के सामने है। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।